तो भाई लोग, क्या हाल चाल चल रहे हैं आपके? आई होप आप सभी ठीक होंगे, क्योंकि कोरोना जा चुका है। तो चलिए, बकवास की बात बाद में छोड़ते हैं और मेन पॉइंट पे आते हैं। पिछले कुछ दिनों से मस्त से अपडेट आई है अब मार्वल और डीसी की तरफ से। वीडियो शुरू करने से पहले सबको एक नोट देता हूँ, आजू बाजू से जो भी आवाज़ आ रही है आपको, बाइलक आ रही है या नहीं मुझे भी पता नहीं, पर आपको आवाज़ आ रही है तो थोड़ा सा एडजस्ट करो, क्योंकि मैं घर में बैठ के मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अपने पास कोई प्रॉपर स्टूडियो नहीं है, क्योंकि यूट्यूब से इनकम नहीं आ रही अभी भी, इसीलिए बोल रहा हूँ भाई सब्सक्राइब करो, सपोर्ट दिखाओ थोड़ा सा, तो रिव्यू कम्युनिटी में अपना भी नाम डालो यार, आगे थोड़ा तो डालो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, जो फीलिंग है वो बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। हाँ तो आई होप सब्सक्राइब कर दिया, वरना नहीं किया। कंट्रोल कंट्रोल। तो सबसे पहले हम बात करने वाले मार्वल स्टूडियो के बारे में। मार्वल ने हाल ही में दो ट्रेलर लॉन्च कर चुके हैं। पहला ट्रेलर है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की तरफ से, उसका टाइटल नेम है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल। और इस मूवी का बेसिकली स्ट्रक्चर होने वाला है क्रिसमस पार्टी, और इसमें हमारे पीटर क्विल अधूरा अधूरा फील करते हैं देवदास की तरह, क्योंकि गमोरा जा चुके हैं और वहाँ पर ही हमारे पीटर क्विल ने इन्फिनिटी वॉर में आधी दुनिया के यल लगा चुके थे और इनके ही अब यल लग चुके हैं बिकॉज गमोरा। तो वहाँ पर ही हमारे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के मेम्बर्स जो है वो पीटर को थोड़ा सा फील कराने के लिए, मतलब हैप्पी वाला, तो एक सीक्रेट पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं वो। और वहाँ पर ही ड्रैक्स और मेंटिस धरती पे आके एक सरप्राइज गिफ्ट लाते हैं सिर्फ और सिर्फ पीटर को खुश करने के लिए। हमें भी यहाँ पे कोई खुश करो यार, सब्सक्राइब करो। तो ये पार्ट सीधा डिज्नी प्लस पे आने वाला है 25 नवंबर को। तो हमारा अगला पॉइंट है एंटमैन। एंटमैन का ट्रेलर तो आ चुका है अब, जिसमें बेसिकली हमारे स्क्वाड भाई तो एकदम खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें कोई स्पाइडरमैन जो बुलाता है वो अपनी ज़िंदगी खुशहाली से जीते रहते हैं, फिर अचानक से उनके यल लग जाते हैं क्योंकि उनकी बेटी की वजह से। उसी कांड की वजह से पूरी की पूरी फैमिली क्वांटमेनिया की दुनिया में पहुंच जाती है। फिर आगे चल के हमारे स्कॉट को जान से हाथ धोना ही पड़ सकता है, क्योंकि कांड किसने किया था? पापा की परी ने। और हमें एंटमैन क्वांटमेनिया देखना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कैंग होने वाला है और इसमें जो हंगामा होने वाला है वो सीधा जाके एवेंजर्स सीक्रेट वॉर और कैंग द कॉन्करर को हिट करने वाला है। इसी वजह से ये देखना ज़रूरी है। और इसकी रिलीज डेट है February 17, 2023। बस वहाँ तक 1000 सब्सक्राइब हो जाए, मज़ा आ जाएगा। अब बारी आती है डीसी की। डीसी की बात कोई ऐसा उन्होंने बड़ा प्रोजेक्ट तो अनाउंस नहीं किया, क्योंकि उन्होंने पहले कर दिया ये सब। बस इस यूनिवर्स की मेन बात है तो इन्होंने अपना चेयरमैन बदल दिया। अनुशासन नहीं है। और इस बार इन्होंने दो चेयरमैन अपॉइंट किए हैं। पहला तो जेम्स गन, जिन्होंने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को डायरेक्ट किया था। फिर बाद में पीटर साफरान। पीटर साफरान आपको पता नहीं तो एक प्रोड्यूसर है, जिन्होंने एक्वामैन, पीसमेकर, एसीडीसी की अच्छी अच्छी मूवी को प्रोड्यूस किया है। इसी वजह से लग रहा है मोदी जी डीसी के अच्छे दिन आ सकते हैं। तो यही था हमारा ये वीडियो। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो। कितनी बार बोला मैंने?